धनबाद के जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड से एक दुधमुही बच्ची की चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात करीब 10 बजे की है। वहीं पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार दो युवक एक खुले कमरे के पास जाते हैं और वहां सो रही एक बच्ची को गोद में उठाकर बाइक से फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस ऐसे किसी भी घटना की जानकारी होने से साफ इनकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर बेबस माता पिता अपनी बच्ची को वापस पाने की आस में हर रोज थाने का चक्कर काट रहे हैं। बच्ची के पिता अशोक रवानी ने बताया कि वे धनसार थाना क्षेत्र के ही चांदमारी के रहने वाले हैं। वो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। उनका एक 7 साल का बेटा है और एक महीने की बच्ची थी, जिसे कल रात बाइक सवार दो चोरों ने चुरा लिया। शनिवार को दिन भर की मजदूरी करने के बाद रात में खाना खाकर वे लोग वहीं पर सो गए। इसी दौरान किसी ने उनकी बच्ची को चोरी कर ली। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बच्ची गायब थी। इसके बाद वो चीखते चिल्लाते हुए अपनी बच्ची को ढूंढने लगे। इसी दौरान वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में उन्हें उनकी बच्ची के चोरी होने का दृश्य दिखाई दिया। इसके बाद वो तुरंत धनसार थाना पहुंचे। रोते बिलखते हुई बच्ची के माता पिता ने बताया कि पुलिस ने बिना कोई कार्रवाई किए ही उन्हें थाने से चलता कर दिया। काम करके ठेका वाले भाई हाजरी भाई वगैरह आए, काम करके तो थका हुए तो सो गए थे। वहां से 10 बजे रात में मेरा बेटे को लेकर चले। तो कहाँ आप लोग घर नहीं है, कहाँ रहते हैं? घर है सर, मतलब जैसे यहाँ से काम करके मतलब थोड़ा रात हो गया था, तो हम सोचे कि अब होने जाएंगे तो उन्हें चोर चुहाड़ ढेर है, इसलिए हम उधर नहीं गए, सो गए वहीं पे कब्रिस्तान रोड में। जगह है तो नहीं? हाँ, उससे बोले कि सो जाते, तो बोला ठीक है सो जाओ, तो सो गए वहाँ पे। सो गए वहाँ पे, उठते हैं तो देखते हैं पूरा कान चिल रहा है कि लड़की नहीं है। बताए तो नहीं सर, लेकिन भाई ये बात है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है। हाँ, बाइक वाला। हाँ, थाना गए तो थाना बोला कि पहले जाओ खोज खबर करो, उसका बाद हम जाएंगे। थाना में गए आप लोग, थाना में कंप्लेन आप लोग का नहीं लिया? नहीं लिया कंप्लेन, नहीं लिया वहाँ, पहले खोज लो उसका बाद कंप्लेन। यहाँ है तब हम घर जाए? नहीं, कंप्लेन किए नहीं किया, पुलिस बोला पहले अपने से खोजो, उसका बाद यहाँ कंप्लेन करो। इस घटना के संबंध में जब थनसार थाना प्रभारी राज कपूर से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ऐसी कोई भी घटना होने की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी माता पिता अपनी बच्ची की चोरी हो जाने की शिकायत लेकर थाना नहीं आए हैं। का कोई मामला अभी तक थाना में कोई आवेदन नहीं आया है, नहीं जानकारी है सर। वो कंप्लेनर अभी तक नहीं पहुंचे आपके पास? कोई कंप्लेन नहीं किया है सर। कंप्लेनर का कहना है कि हम थाना गए थे, थानेदार ने कहा है कि पहले खोज अपने आसपास पता कर लीजिए, उसके बाद हम कंप्लेन दर्ज करेंगे। नहीं, इस ढंग की कोई बात नहीं, कोई लिखित सूचना थाना को नहीं दिया है, न उससे मुलाकात। सीसीटीवी में सर कुछ दिख रहा है, बच्चा को ले जाते हैं? दिख रहा है, आप ले जाते, हमको तब जानकारी तो नहीं हुआ है, इसमें देखेंगे तो बताएंगे। कंप्लेन देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? कंप्लेन देने के बाद अगर कंप्लेन देगा तो कार्रवाई होगी, जो विधिवत कार्रवाई होगा वो होगा। बहरहाल घटना तो हुई है और इसकी गवाही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धनसार थाना की पुलिस इस मामले में अपनी कार्रवाई कब शुरू करती है। पंजाब के केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।